वेलकम माई डियर हैप्पी ब्यूटिफुल सोल। आज है हमारा डे 18 ऑफ द सेल्फ लव चैलेंज। सो आई होप ये जर्नी आपकी बहुत ही खूबसूरत है और खुद से प्यार करने वाली है। आज बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में हम बात करने वाले हैं। आज हम फोकस करने वाले हैं सेल्फ रिस्पेक्ट, खुद की रिस्पेक्ट करना, है ना। आपकी जो भी वैल्यू है, आपकी नीड है, आपकी बाउंड्रीज है, उन सब की आपको रिस्पेक्ट करनी है। व्हेन वी आर रिस्पेक्टिंग अवर वैल्यू, अवर नीड, अवर बाउंड्रीज, वी आर गोइंग टू फॉल इन लव विद अवर सेल्फ एंड अल्टीमेटली पीपल वन डे विल फॉल इन लव विद योर सेल्फ, है ना। सो आज आपको क्या करना है कि आपकी जो भी वैल्यू है, जो भी नीड है, आपके बाउंड्रीज है, उसको क्लियर करना है, क्लियर करना है। और उसके लिए सेल्फ रिस्पेक्ट बतानी है आपको। किस तरह से हो सकता है कि आप नो कहने की प्रैक्टिस करो, जो आपके वैल्यूज में नहीं है, जो आपकी नीड नहीं है, जो आपके बाउंड्रीज को क्रॉस कर रहा है, आप उसको नो कहना, ना कहना सीखना है, है ना। उनसे आप अपनी रिस्पेक्ट करते हो। डोंट अलाउ पीपल टू ब्रेक दैट बाउंड्रीज, डोंट अलाउ पीपल जो आपको आपकी वैल्यूज में, आपकी नीड में आपको सपोर्ट नहीं करते, आपको हेल्पफुल नहीं है, है ना। तो उन लोगों को या उस चीजों को, उस सिचुएशन को, ऐसे कोई काम को भी आपको ना कहना है, है ना। जैसे जैसे आप अपने आपके रिस्पेक्ट करना, अपने आप को, अपनी वैल्यूज को रिस्पेक्ट देना शुरू कर दोगे, आप खुद से सबसे ज्यादा प्यार करने लगोगे, है ना। सो रिस्पेक्ट, क्रिएट रिस्पेक्ट फॉर योर सेल्फ, योर वैल्यूज, योर नीड, योर बाउंड्रीज, एंड यू कैन प्रैक्टिस एनीथिंग टू रिस्पेक्ट योर सेल्फ, है ना। सो बाय बाय, राइट डाउन एंड हाउ दिस इज द हेल्पफुल टू यू। जस्ट कॉमेंट मी, शेयर योर एक्सपीरियंस एंड अप्रिशिएट ईच अदर वॉट दे आर शेयरिंग इन द कॉमेंट, है ना। सो बाय बाय, आई लव यू।